और अब बात करते हैं बुरहानपुर की, जहां के पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने एक नई पहल को शुरू करते हुए हथियार बनाने वाले सिकलीकर समाज को अपराध छोड़कर स्वरोजगार के दूसरे अवसर मुहैया कराने की पहल की है। इसके लिए उन्हें किस तरह से मुख्यधारा से जोड़ा जाए, अपराध करने से रोका जाए, इसका बीड़ा उठाया है। आपको बता दें कि जिला बुरहानपुर की तहसील खकनार के अंतर्गत बसे ग्राम पचौरी में वर्षों से सिकलीकर समाज के लोग हथियार बनाने का काम करते आए हैं। बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के द्वारा ग्राम खकनार के पाचोरी का भ्रमण किया गया, जहां पहुंचकर उन्होंने सिकलीकर समाज के लोगों से भेंट की और विस्तार से लोगों के जीवन को जाना। सिकलीकर समाज की समस्या को जानने के बाद उन्हें अपराध की दुनिया छोड़कर समाज की मुख्यधारा में आने के लिए प्रेरित किया है। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने शासन को पत्र लिखकर सिकलीकर समाज के लिए और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर बनाने के लिए व्यवस्था का भी अनुरोध किया है। इसके पहले कलेक्टर दीपक सिंह, पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा भी इस तरह की पहल कर चुके हैं, मगर शासन लंबी नींद में सोया रहा। वही अब देखना यह होगा कि पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा की ये पहल महज एक विभागीय दौरा बनकर सामने आती है या फिर सिकलीकर समाज के जीवन में विकास और समृद्धि की नई बहार लेकर आती है। विराट 24 न्यूज के लिए बुरहानपुर से हेमराज रघुवंशी की रिपोर्ट। में है चार, वहाँ है दस परिवार, बारह परिवार, बारह घर है, परिवार ज्यादा है, परिवार ज्यादा है घर में, जैसे एक एक घर में परिवार ज्यादा रहते हैं। घर के अंदर बच्चे किसके होंगे, किसी के दो बच्चे, किसी के तीन बच्चे, जैसे मैं हूँ, मेरे चार बेटे हैं, चार बहुत उनके दो दो दिन के बच्चे हैं, तो हम एक ही घर में रहते हैं। मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ, एक घर है तुम्हारा, उसके अंदर कम से कम 15-16 लोग हैं जी, ऐसे अपने बच्चे वगैरह क्या करते हैं, वो भी खेती किसानी काम कर रहे हैं? नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, कुछ लोग बच्चे, और मेरा एक बेटा तो ये MP में सर, MP में भी ड्यूटी पे ही है, बल्कि ये लाइफ लास्ट टाइम भी तुम मिले थे ना वहाँ पे, हाँ हो कर के लग गए पढ़ने के बाद ही मिलेगा। एक काम ध्यान रखना, जो घंटे में पुलिया का लिख लो सर, जो आखिरी वाला पुलिया है वो 5 साल से चालू है, चालू है, पूरे हो गए गाँव घटना।